विकास भी गिरते सर, उसमें कैसा काम किए हैं 12th फेल में, सही किए हैं या नहीं? हाँ सही किए, अगर मौका मिले तो हम भी करेंगे, कोई ना। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देने वाले? फर्स्ट अटैम्प्ट 25 में देने वाला। और कुछ नहीं है आसपास? और ना है, अगर होगा तो बिजनेस करेंगे आगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आप कहाँ से हो, आपने अपना वाला कहाँ लिखा है? मैं यहाँ से हूँ, बिहार से। ये है वो, ये इंडियन ज्योग्राफी है। तो ये लगभग इसकी भी अभी शुरू हुई है? नहीं, ये किया दृष्टि को हम इसलिए ज्वाइन किए ताकि इसका नाम पहले से था और हम देखते भी थे इसे गाँव में थे। तो हाँ, जैसे कि हम ना 2-3 महीने पहले NCERT का कोर्स लेकर के उसे रूम पे ही पढ़ते थे, तो उनके बाद फिर यहाँ GS का कोर्स लिए। ऐसा नहीं कम पढ़ना पड़ता, हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा बुकें पढ़ने पड़ते हैं। ये सारे बुक जो है ना सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए बुक हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए। बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कहते हैं कि भैया आपने बहुत दिनों से किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं किया है जो UPSC की तैयारी करते हैं और जिन्होंने दृष्टि को ज्वाइन किया है, आप उनके साथ में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम भी किसी गांव से आकर के मुखर्जी नगर पढ़ना चाहते हैं। तो एक महीने में लगभग कितना खर्च हो जाता है, अगर हम फ्लैट लेके रहते हैं खुद से, तो वो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हम अपने घर से बजट लेकर के निकलेंगे। आज की वीडियो में हमारे साथ में एक दोस्त हैं, इनका नाम है शेख सहनवाज और ये बिहार से हैं, दृष्टि के स्टूडेंट हैं, इनसे ही जानेंगे। और ये रहते हैं वजीराबाद के पास संगम बिहार में, इनसे ही बात करने वाले हैं। और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो हमारे साथ वीडियो अपना शेयर करना चाहते हैं, वो हमें हमारी इंस्टाग्राम ID जो शिवम दिवाकर के नाम से है वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, अगर आप अपना वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सहनवाज जी कि आप बिहार में कहाँ से हैं? हम बिहार में पूर्णिया से हैं। और आपने दृष्टि को कब ज्वाइन किया था? दृष्टि को हम तकरीबन 8-9 महीने पहले ज्वाइन किया था। आप जब दिल्ली पहली बार आए थे तो किस किस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? रूम आसानी से मिल गया था या नहीं, और आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल है हिंदी साहित्य, जिसमें कि मैं जब पहली बार दिल्ली आया था तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा था बहुत चीज़ों का, जैसे कि रूम ना मिलना और उसके बाद खाना। उसके बाद मैं कुछ दिन वज़ीराबाद में रहा, उनके बाद वहाँ से सही ना लगा तो मुझे फिर मैं संगम बिहार आया और यहाँ पर भी मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ से जब आप दृष्टि की क्लास लेने नेहरू विहार जाते हैं तो लगभग आपको कितना समय लगता है डेली? 20-30 मिनट लगता है रोज़ यहाँ से क्लास जाने के लिए। ऑटो वगैरह से जाते हैं? हाँ, ऑटो से जाते हैं यहाँ से। तो आपकी जो क्लास चलती है नेहरू विहार में दृष्टि की, वो लगभग कितने घंटे चलती है, और अभी आपकी कौन सी क्लास चल रही है? अभी हमारे हिस्ट्री की क्लास चल रही थी जो कि कल ख़त्म हो चुके हैं, और एक ज्योग्राफी की चलती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चलती है। तो 2.5-2.5 घंटे की क्लास रहती है, मतलब 6-6.5 घंटे वहाँ लग जाते हैं हमें। मतलब एक दिन में आपको 6-6.5 घंटे वहाँ देने पड़ते हैं? हाँ, 6-6.5 घंटे वहाँ देने पड़ते हैं हमको। रूम पे आप लगभग कितने घंटे डेली पढ़ते हैं यहाँ पे खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं? रूम पे 7-8 घंटे पढ़ लेते हैं हम। आप परिवार में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, सबसे बड़े हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी मौलाना हैं, मतलब टीचर रहते हैं, वही हैं। यानी कि मदरसे में पढ़ाने के? हाँ, मदरसे में पढ़ाते हैं। आपको उर्दू वगैरह आती है? हाँ आती है, थोड़ा बहुत उर्दू हमें भी आती है। आपने भी सीखी थी या नहीं? हाँ, हमने सीखी थी बचपन में। तो कभी आपके मन ने ये नहीं सोचा कि उर्दू ऑप्शनल ले लें? ना, सोचा तो था, लेकिन यहाँ क्लास विलास ज़्यादा नहीं मिलते ना उर्दू के, तो मैंने आया तो फिर देखा यहाँ पे, क्योंकि मुखर्जी नगर में हिंदी साहित्य की क्लास के लिए तो विकास सर पढ़ा रहे थे, तो हम सोचे उनसे सही होगा पढ़ने, तो हिंदी ऑप्शनल रख लिए थे। और हिंदी ऑप्शन में थोड़ा सा मैं पढ़ा भी था, बैकग्राउंड हिंदी से था, तो हिंदी ऑप्शन रखने में सही हो गया। ग्रेजुएशन वगैरह आपने कहाँ से कंप्लीट की? ग्रेजुएशन पूर्णिया यूनिवर्सिटी से किए हैं, जो कि इस साल मेरा पूरा होने वाला। ये बताइए, जब आप मुखर्जी नगर आए तो UPSC की कोचिंग आपने ज्वाइन की दृष्टि, उसको कितनी फ़ीस पे की है, उसमें आपको वो क्या क्या पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, या फिर NCERT वाला कोर्स भी उसमें इंक्लूड है? हाँ, जैसे कि हम ना 2-3 महीने पहले NCERT का कोर्स लेकर के उसे रूम पे ही पढ़ते थे, तो उनके बाद फिर यहाँ GS का कोर्स लिए, तो GS में जो है ना पूरा 1,40,000 रुपया लगते हैं ऑफलाइन के लिए, उसके बाद ऑप्शनल अलग है, उसके बाद अगर पूरे लेना है तो 2,40,000 में पूरे हो जाते हैं इनके क्लास। आपका मीडियम हिंदी है जैसा कि आपने? हाँ, मेरा मीडियम हिंदी है। फर्स्ट अटैम्प्ट आप कब देने वाले? फर्स्ट अटैम्प्ट 25 में देने वाला। यहाँ पे जो इतनी सारी चीज़ें आपके रूम में लगी हुई हैं, मैप लगे हुए हैं, अगर इधर देखें तो यहाँ पे भी आपने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, उस पर कलर भी किया हुआ है। इसी के जब भी हम किसी UPSC एस्पिरेंट के रूम में जाते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यहाँ पे भी बहुत सारी लगी हुई है, ये सब क्या है और क्यों आप लगाते हैं? जैसे यहाँ पे भी आपने पूरा लिख लिख के लगाया, काफ़ी टाइम लगा होगा इसमें? हाँ, काफ़ी टाइम लगा, जैसे कि मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को लिख के रखा है, जो कि आंसर राइटिंग करने में मुझे कभी कभी अगर याद से ध्यान से उतर जाता है तो फिर मैं इसे देख करके लिखता हूँ। और आपने दृष्टि को ही क्यों ज्वाइन किया? दृष्टि को हम इसलिए ज्वाइन किए ताकि
इसका नाम पहले से था और हम देखते भी थे, इसे गांव में थे तो ट्वेल्थ में थे तब भी दृष्टि देखते थे, बहुत ज़्यादा फेमस वगैरह था। और विकास सर इसमें पहले पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते लेकिन पहले वो पढ़ाते थे, तो उसी की वजह से किया था मैंने दृष्टि। सेमिनार वगैरह में? हाँ, आप मोलनी सेमिनार वगैरह में आते हैं, क्लास विलास में नहीं आते, क्लास तो नहीं पढ़ा रहे अभी वो फिलहाल। आप दिखाइए कुछ नोट्स वगैरह जो आपने बनाए हैं। ये बात सही है कि विकास दिव्य कीर्ति सर कभी कभार वैसे क्लासरूम में आ जाएं, वरना सेमिनार में ही अधिकतर आते हैं, क्योंकि ये दृष्टि के खुद स्टूडेंट हैं, इन्होंने खुद बताया। यहाँ इनकी कुछ बुकलेट वगैरह हैं जो जब आप दृष्टि को ज्वाइन करते हो तो वो आपको सारी मिलती हैं। हाँ, एक कार्टून मिलता है, एक है ना, उसमें ये सारी बुक्स मिलती हैं। दिखाइए क्या क्या नोट्स बनाए हैं आपने। अभी मैं तो ये हिस्ट्री का पढ़ रहा था अभी। कौन से सर पढ़ाते हैं दृष्टि में? दृष्टि में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये त्रिवेदी सर पढ़ाते हैं, वीके त्रिवेदी सर ये पढ़ाते हैं हम। तो लगभग ये कंप्लीट हो गई ना? अभी कंप्लीट ना, अभी अभी लगभग 30 क्लास इनके हुए हैं। इसके अलावा कोई और नोट्स वगैरह दिखाइए, कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी ज्योग्राफी के हैं तो ज्योग्राफी पढ़ाए थे, संजीव सर पढ़ाए थे, ये सिर्फ ज्योग्राफी है, ये इंडियन ज्योग्राफी है। तो ये लगभग इसकी भी अभी शुरू ही है? नहीं, ये कंप्लीट हो चुके हैं ये। ओके, इधर दिखाइए, ये पूरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि अब तो विकास दिव्य कीर्ति सर मूवी में आ रहे हैं, अब शायद उनकी सेकेंड मूवी आने वाली है, बच्चे कहते हैं शायद हमें भी मूवी में काम मिल जाता तो मज़ा आ जाता, आपका क्या मानना है? अब मुझे तो पता नहीं सेकेंड मूवी आने वाले, लेकिन इनके फर्स्ट मूवी आए थे अभी, ये ज़्यादातर अब वही मूवी वगैरह में जाने का काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर वैसे क्लास तो अभी विकास सर नहीं ही लेते हैं। और जैसे कि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था तो उनका मुझे पेनड्राइव मिल चुका है, तो उनसे तो क्लास हिंदी साहित्य वाला जो क्लास होता है वो पेनड्राइव में ही मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिलता? नहीं, पेनड्राइव में मिलता है, और ऑफलाइन भी जाना हो तो ऑफलाइन में भी वही पढ़ाते हैं, लेकिन पर्दे उनके बड़े रहते हैं, वो LED पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर जा करके आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सर नहीं होते हैं, यही क्लास जो पेनड्राइव वाला है ये चलता है वहाँ पे? हाँ, यही क्लास वहाँ पे चलता है, लेकिन दूसरे सर होते हैं कोई। हाँ, हिंदी साहित्य के ही सर होते हैं। तो ये बताइए, 12th फेल मूवी आपने देखी, कैसी लगी आपको? हाँ, 12th फेल तो मैंने देखे थे, सही लगा मुझे मूवी। विकास दिव्य कीर्ति सर उसमें कैसा काम किए हैं 12th फेल में, सही किए हैं? हाँ, सही किए, अगर मौका मिले तो हम भी करेंगे, कोई ना। यहाँ पे ये आपने ही बनाया है ये वाला, या फिर हमने खुद बनाया? सारे नाम वगैरह भी पूरे लिख दिए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आप कहाँ से हो, आपने अपना वाला कहाँ लिखा है? मैं यहाँ से हूँ, बिहार से, ये बिहार यहाँ होता है लेकिन इसे कट करके यहाँ से, मैं बिहार से हूँ ना, इसलिए। हाँ, तो ये बताइए, घर वालों की कभी याद नहीं आती है, इतनी दूर हैं, खाना वगैरह खुद बनाते हैं? नहीं, खाना तो खुद नहीं बनाते हैं, होटल से खाते हैं, घर वाले तो याद बहुत आते हैं। अभी तो कुछ दिन पहले घर से आया तो दिल ही नहीं लग रहा था यहाँ। ये बताइए, खाना जब आप होटल से लेते हैं तो महीने में लगेगा आपको कितना होटल को पे करना पड़ता है? 3500 से 4000 रुपये तक पे कर जाना पड़ता है खाना में, हाँ, एक महीने का, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी खाना खाना पड़ता है, होटल के खाने से मज़ा ना आता, कुछ ना होने का हो। यानी कि आपका महीने का लगभग 8-9 हज़ार या 10 हज़ार हो जाता है? 10 हज़ार प्लस चले जाते हैं महीने के। जब आपने रूम इतना सस्ता ले रखा है तब, अगर रूम आप अगर 7-8 हज़ार का लोगे तो आपको 15-16 हज़ार प्लस चले जाएंगे, अगर रूम 8-9 हज़ार का हो तो फिर 15 हज़ार प्लस चले जाते हैं। फिर मैंने वज़ीराबाद में रूम लिया था कुछ दिन, वहाँ पर रहने के बाद फिर मैं यहाँ पर रहा हूँ। तो आपको बनना क्या पसंद है, IAS IPS IRS? नहीं, बनना तो IAS है। अभी आपने देखा होगा कि इस बार जो रिजल्ट आया था उसमें कई सारी लड़कियां और लड़के जो मुस्लिम थे उन्होंने सिलेक्शन लिया, और ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना होता है, जैसे कई वीडियोस में वायरल होता रहता है कि जितने भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो बस केवल पंचर लगाने का काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं। जो इस बार रिजल्ट आया था उसने सबको चौंका दिया, नौशीन जीता जागता उदाहरण है उनका, 9th रैंक आया था। आपका क्या मानना है, ऐसी बहुत सारी लड़कियां और लड़के हैं जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, आपका क्या मानना है, जो लोग ये कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग तो कहने के लिए कोई भी धर्म में कह सकता है कि कोई पढ़ते हैं कोई ना पढ़ते हैं, अब हर एक गार्जियन को अपने अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे जा सकें। और जैसे कि बात रही रैंक की, तो उनके 9 रैंक आए थे, तो देखिए अगले बार हमारा भी कुछ सही हो जाए 25 में। कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर। हाँ, बेशक। लैपटॉप वगैरह में आप ऑनलाइन क्लास वगैरह लेते हैं? दिखाइए किस तरीके से कैसे चलती है विकास दिव्य कीर्ति सर की क्लास। अच्छा, पेन ड्राइव कोर्स का, केवल इस पेन ड्राइव कोर्स का 40,000 देना पड़ा है आपको? हाँ, पेन ड्राइव कोर्स लेने के बाद 40,000 रुपये देने पड़ते हैं। 40,000 में मिला है आपको इतना छोटा पेन ड्राइव का कोर्स? ये पेन ड्राइव की जो क्लास है ये भी आपकी 2-3 घंटे की होती होगी? हाँ, विकास सर की क्लास तो मैक्सिमम 2-3 घंटे की होती है, 3 घंटे प्लस होती है उनकी क्लास। गर्मी में भी लगभग आप सिलेक्शन के लिए लगे रहते हैं पढ़ने? हाँ, अभी तो दिल्ली का गर्मी बहुत ज़्यादा है, बताइए, देख ही रहे हैं आप, बहुत तगड़ी गर्मी है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। अभी हमारे इसमें 22-23 क्लास हो चुके हैं इसमें।
इस तरीके से ऑनलाइन क्लास ये लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो गांव में रहते हैं वो लोग भी ऑनलाइन लेके तैयारी करते हैं। पेन ड्राइव क्लास का जो है ना आपको फ़ीस अलग से पे करना पड़ता है। इस तरीके का इनका कुछ रूम था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर इनका बेड है और इधर इनका दृष्टि का बैग रखा हुआ है, यहाँ हमारा भी बैग रखा हुआ है। बिजली का बिल ये अलग से पे करते होंगे इस रूम में, है ना? ना बिजली का बिल इसमें ना पे नहीं करते अलग से, उसमें यही हो जाता है। इसमें बहुत बढ़िया है यार आपका। हाँ यहाँ वज़ीराबाद में ना इधर सस्ता रूम मिल जाता थोड़ा सा। हाँ तो यहाँ पे अभी शायद इनका कुछ चल नहीं रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ और दिखाना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे हिंदी साहित्य का जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, एक तो आप बता रहे हैं कि आपका पहले से यही था, फिर आपने विकास देवी कीर्ति सर की वजह से ले लिया, और आपको क्या अपॉर्चुनिटी इसमें लगी कि ये हो सकता है इसलिए आपने सेलेक्ट कर लिया? कभी डर नहीं लगा कि मैं कुछ और सब्जेक्ट ले लेता ना? जैसे कि हम कुछ, जैसे कि 2013 के बाद देखते हैं हिंदी साहित्य का ना ज़्यादातर 300 प्लस मार्क्स आते हैं ऑप्शनल में, और रैंक जो होते हैं ना इसी के आधार पर, जैसे 300 प्लस मार्क्स आ गए तो 1000-2000 बच्चे से आगे आ जाते हैं। और हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं कम पढ़ना पड़ता, हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा बुकें पढ़ने पड़ती है। ये सारे बुक जो है ना सिर्फ हिंदी साहित्य के लिए बुक हैं। बीपीएससी वगैरह कभी ट्राई करेंगे या नहीं, क्योंकि आप बिहार से हैं? हाँ बिहार से हैं, लेकिन अभी तो बीपीएससी वगैरह कुछ नहीं है। एक ही टारगेट है, एक ही टारगेट है यूपीएससी करना, और कुछ नहीं आसपास और ना है। अगर होगा तो बिजनेस करेंगे आगे। और ये बताइए आपका कोई पसंदीदा आईएएस है, क्योंकि आप आईएएस ही बनना चाहते हैं, है कोई आपका पसंदीदा आईएएस? पसंदीदा आईएएस नहीं, पसंदीदा आईएएस कोई भी नहीं है, ये खुद बनेंगे अपने पसंद के आईएएस। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। और अगर आप अपना वीडियो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है शिवम दिवाकर के नाम से, प्रोफाइल पे जो पिक्चर लगा है वही पिक्चर इंस्टाग्राम पे लगाया, वहाँ पे मैसेज हमें कर सकते हैं। इस तरीके से विकास दुबे कीर्ति सर की जो पेन ड्राइव वाली कोर्स है वो इस तरीके से चलती है। आप देखेंगे यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, और ये शायद सर्दियों का वीडियो है सर ने, इसमें 2019 का वीडियो है, ये तो 2019 का वीडियो है। और सर इतने फेमस हैं कि अभी भी उनका हर छोटे छोटे रूम में उनका वीडियो विकास देवी कीर्ति सर का चलता है और बच्चे उससे पढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।